पावटा गुम्मा NH-707 पर HES इंफ्रा कंपनी द्वारा फेज 3 का कार्य कर रही यह कंपनी अपने आप में बेईमानी इंसाफ नजर आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी द्वारा सड़क निर्माण को लेकर घटिया सामग्री प्रयोग की जा रही है। वहीं बीते दिनों बिन बारिश के चलते कंपनी द्वारा लगाया गया घटिया डंगा गिर गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, लेकिन कंपनी के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं। गौर रहे कि आज श्री क्यारी पंचायत के ग्रामीणों की बैठक राजपूत समाज सेवी टेकचंद ठाकुर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें फेडवाला से श्री क्यारी के बीच कार्य कर रही कंपनी का कार्य रोक दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी द्वारा ग्रामीणों के सार्वजनिक रास्ते, बिजली, पानी व जमीन, खेतों में मलवा व पत्थर आदि को डमिंग करके जमीन को नष्ट कर दिया है, जिससे लोगों को अपने घर के लिए आने जाने में अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने में विवश होना पड़ रहा है, जिसके चलते आज ग्रामीणों द्वारा इंफ्रा कंपनी के कार्य को रोक दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हमने इस बारे में कंपनी के MD, DPM व DM तथा PM व अन्य अधिकारियों को कई बार अवगत किया, लेकिन खाली आश्वासन देने पर आज ग्रामीणों द्वारा कंपनी के द्वारा कछुआ की गति पर कार्य व घटिया कार्य किए जाने पर रोक दिया गया है। फेडुवाला से नायल के बीच बीते 5 दिनों से लाइट नहीं है, क्योंकि कंपनी द्वारा बिजली लाइन को तोड़ा गया है। प्यारी गांव का रास्ता बीते 3 महीने से बंद पड़ा है। ग्रामीणों में शामिल भादर सिंह, कपिल ठाकुर, अतर सिंह, कन्वर सिंह, पंचायत प्रधान श्री क्यारी अतर सिंह, अमित बिट्टू, कुलदीप, मोहन फौजी, राकेश, भीम सिंह, चरण सिंह, सुनील, हर सिंह, अजबू राम, अमर सिंह धीमान, भवन सिंह, रतन सिंह, गुलाब सिंह, केदार सिंह, कुलदीप चौहान, संतराम भंडारी, बिशन सिंह, रविंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। उधर इस संबंध में कंपनी के DPM ने बताया कि मैंने स्वयं मौके पर जाकर उच्च अधिकारियों को अवगत किया है, जबकि SDM शिलाई सुरेश सिंघा ने बताया कि कंपनी के अधिकारियों को रास्ते, बिजली, पानी आदि सुविधा को सुचारू रूप से दुरुस्त करने की बात कंपनी को बताई गई है। उन्होंने कहा कि बावजूद इसके यदि कंपनी द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए रोनहार्ट सिरमौर से टीकाराम शर्मा की रिपोर्ट।